क्वेश्चन नंबर 12 लिखा है, एक क्लास टेस्ट में शेफाली की गणित में अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है, यदि उसका गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते हैं तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता है। उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। दोनों विषयों में जो अंक हैं वो प्राप्त कितने किए गए हैं वो हमें ज्ञात करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो इसके लिए हम लिखेंगे माना कि, हमने क्या लिखा, माना कि शेफाली के गणित में अंक दिए नहीं हैं, तो हम लिखेंगे एक्स। ठीक है, ये हमने मान लिया है कि जो शेफाली है उसके गणित में अंक आए हैं एक्स। तो वही लाइन होगी, बस सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा, यहाँ पर गणित की जगह लिख देंगे अंग्रेजी में अंक 30 माइनस एक्स। अब लिखेंगे यदि शेफाली को गणित में 2 अंक अधिक मिले तब गणित में प्राप्त अंक हो जाएगा एक्स प्लस का 2। यदि शेफाली को अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले, यदि शेफाली को अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले तब हम लिखेंगे शेफाली के अंग्रेजी में लिख देंगे यहाँ पर 30 माइनस का एक्स और माइनस हो जाएगा 3। शेफाली के अंग्रेजी में आए थे, हमने माना था अंग्रेजी में 30 माइनस एक्स, अंग्रेजी में 3 अंक उसके कम आए तो हमने कम के लिए माइनस किया है माइनस 3। यहाँ पर संख्या दिख रही है, ये प्लस की संख्या है, ये माइनस की संख्या है, तो प्लस माइनस कर देते हैं तो आ जाएगा 27 माइनस का एक्स। प्रश्नानुसार तो गणित और अंग्रेजी, गणित और अंग्रेजी के प्राप्त अंकों का गुणनफल तो कितना दिया है 210। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिए है तो कर देते हैं x प्लस का 2, ये हम गणित का लिखा, गुणे 27। ठीक है, माइनस का x बराबर में 210, तो इन दोनों का योग करने पर इतना हो रहा है। तो चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका इससे कर देंगे तो 27 एक्स, एक्स का एक्स से करेंगे तो हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस का साइन, दो का 27 से करेंगे तो आएगा 54, माइनस का साइन, 2 का एक्स से करेंगे होगा 2x बराबर में 210। इसी प्रकार लिखा, अब इसमें लिख लेते हैं ये। ठीक है, द्विघात समीकरण के अकॉर्डिंग लिख लेते हैं, माइनस का एक्स स्क्वायर, ये माइनस का है तो माइनस का एक्स स्क्वायर, प्लस का 25 एक्स, प्लस का 54। तो माइनस का जो 210 है ये ऐसे आया, ये प्लस का था ना, तो यहाँ पर माइनस का हो गया, यहाँ पर 27 था प्लस का और ये है माइनस का, तो हमने माइनस कर दिया है 27 में से 2 माइनस 2x माइनस कर दिया तो बचा है 25x। तो हमने इसको इस प्रकार लिख लिया, माइनस का x स्क्वायर प्लस का 25x, माइनस कर देते हैं 210 में से 54 को तो आ जाएगा माइनस का 156 बराबर में 0। ये जो माइनस का साइन है इसको कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो x स्क्वायर माइनस का माइनस से माइनस का प्लस से करेंगे तो ये भी माइनस का हो जाएगा, 25x प्लस माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, 156 बराबर में 0। या करके हम इस प्रकार लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 25x प्लस का 156
बराबर में शून्य। तो x का गुणांक दिया नहीं है तो हम वन मान लेते हैं, वन का मल्टीप्लाई करते हैं 156 में। तो ऐसी संख्या देखना होगा कि गुणा करने पर आ जाए 156 और इसमें प्लस करने पर आ जाए 25। तो 13 और 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 156। देखिए मैं करके बताता हूँ आपको, 13 × 12, 2 × 2 = 4, 3 × 3 = 6 और 2 × 2 = 2, 2 × 3 = 5, 1 × 1 इसी प्रकार। अगर हम इनका माइनस कर देते हैं, 13 में से 12 माइनस कर देते हैं, सॉरी अगर 13 और 12 को प्लस कर देते हैं तो हो जाएगा 25। तो यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस का कितना आएगा, 13x प्लस का 12x प्लस 156 बराबर में शून्य। एक्स इसमें कॉमन आ जाएगा, एक्स इसी प्रकार लिखा, माइनस का साइन, यहाँ पर 2x थे ना तो 1x कट गया, 1x बचा तो 1x लिख दिया ब्रैकेट के अंदर, माइनस का साइन इसी प्रकार, x x हो गया कैंसिल, बचा 13, कॉमन निकालेंगे 12 आएगा, x इसी प्रकार लिखा और माइनस 12 का इससे करेंगे तो कितनी बार कट जाएगा, 13 बार, बराबर में शून्य। एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं, दूसरे ब्रैकेट में लिख लेते हैं x माइनस 13 बराबर में शून्य। यहाँ लिखते हैं फर्स्ट पार्ट, यहाँ लिखते हैं सेकंड पार्ट, दूसरे ब्रैकेट में लिखते हैं x माइनस का 13 बराबर में शून्य, आ गया है 13। तो गणित के अंक जो आ गए हैं 13। सैफाली के अंग्रेजी में अंक बराबर में लिखा था हमने 30 माइनस का x, तो लिखेंगे 30 माइनस x बराबर देखिए 13, तो माइनस कर देते हैं, 30 में से 13 माइनस कर देंगे 17 आएगा अंग्रेजी में अंक और 13 आएगा गणित में। 13वां क्वेश्चन करते हैं, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए हमें आयताकार बनाना होगा, आयताकार मैंने बना लिया है, इसमें ए बी सी डी ये मैंने नाम दे दिया है। माना कि अब जो ज्ञात करना है उसको लिख लेते हैं, ज्ञात करना है आयतकार की जो छोटी है, आयतकार की जो छोटी भुजा है यानी जो सी डी ये भुजा है, इसको हमें ज्ञात करना है। तो आयत की छोटी भुजा यानी सी डी लिखेंगे, सी डी बराबर में एक्स, ये हमने मान ली ठीक है, मीटर में मान ली। आयत का विकर्ण, तो आयत का विकर्ण है तो हम बना लेते हैं विकर्ण, आयत का विकर्ण इस प्रकार से यहाँ तक का विकर्ण, आयत का विकर्ण ये हो जाएगा, आयत का विकर्ण यानी क्या होगा, बी डी लिखेंगे, बी डी बराबर में एक्स प्लस का 60 मीटर। अब हमने ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि जो आयत की जो छोटी भुजा है उससे आयत का जो विकर्ण है 60 अधिक है, एक्स मानी तो इससे 60 अधिक है। बड़ी भुजा तो लिखेंगे आयत की बड़ी भुजा, यानी कौन सी हो जाएगी बड़ी भुजा, बी सी बराबर में एक्स प्लस 30 है, ये भी इसी प्रकार से बड़ी है, x यानी छोटी भुजा से 30 अधिक है, यहाँ लिखेंगे मीटर। तो अब फॉर्मूला लगाएंगे समकोण त्रिभुज का, जो फॉर्मूला होता है देखिए समकोण त्रिभुज बन रहा है, यहाँ पर समकोण त्रिभुज बन रहा है तो इसमें समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला लगेगा। तो ये तो आयत है तो समकोण त्रिभुज कहाँ से हो गया, तो देखिए ये बन रहा है समकोण त्रिभुज बी डी सी, बन रहा है समकोण त्रिभुज बी डी सी इस साइड, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज
बी डी सी में जो सी है कोण सी वो कितना होगा, 90 डिग्री का रहेगा। देखिए यहाँ पर बन रहा है 90 डिग्री का, एकदम सीधा। इसमें फॉर्मूला लगेगा पाइथागोरस प्रमेय का, कर्ण का स्क्वायर फिर होता है लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। तो इसके लिए हम इसमें लिखेंगे, कर्ण इसमें दिया है बी डी, तो यानी बी डी का स्क्वायर बराबर ये हो गया कर्ण। अब हो गया लंब, तो लंब इसमें है सी डी, सी डी का स्क्वायर प्लस आधार है बी डी, बी सी है सॉरी बी सी है, बी सी का स्क्वायर हमने यहाँ पर लिखा था वैसा वैसा हम इसके बराबर में लिख देते हैं। जैसे बी डी का देखिए कितना लगा, एक्स प्लस का 60 का स्क्वायर बराबर में सी डी, सी डी हमने माना था एक्स, तो इसका हो गया स्क्वायर प्लस बी सी, बी सी एक्स प्लस का 30 का स्क्वायर। फॉर्मूला लगा देते हैं ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 60 का स्क्वायर क्या होगा, 3600 आ जाएगा, और प्लस में और इसमें क्या होगा 2ab, तो यानी 2 और ab 60 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 एकम 6 एकम 12, तो आ जाएगा 120। एक्स बराबर पहले इसमें करते हैं एक्स स्क्वायर है, तो इसको इस प्रकार लिखेंगे, इसका साइन इसी प्रकार लगेगा, इसका भी फॉर्मूला लगा देते हैं इसमें भी, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 30 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 900 प्लस का साइन 2ab, यानी 3 × 3 3 × 6 तो आ जाएगा 60x, ठीक है 2ab का आया ये। ध्यान से देखोगे यहाँ पर बराबर का साइन लगा है, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हो गया कैंसिल है, एक्स स्क्वायर प्लस का 60 ये बचा है एक्स स्क्वायर, फिर आता है एक्स, फिर आता है अचर पद, तो पहले लिखते हैं एक्स स्क्वायर, फिर लिखा हमने 60x, अब लिखते हैं एक और एक्स का है ये दिया है 120, तो ये इसको पोजीशन चेंज करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है 120x। अब आएगा प्लस का ये, इस पद को लिख रहे हैं हम यहाँ पर, तो ये जो है ये जो दिया है 3600 और 120, ये जो उठाकर यहाँ पर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो लिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस का 60x, इसी प्रकार लिखा ये जो प्लस का था ये माइनस का हो गया 120x प्लस का आएगा 900, इसी प्रकार लिखा अब ये लिखा है 3600 तो ये माइनस का हो जाएगा 3600 और बराबर में लगा देंगे 0, तो इन दोनों का सबसे पहले करते हैं माइनस, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 60x प्लस का इन दोनों का भी करते हैं माइनस, तो आएगा 2700, 3600 में से माइनस का जो 3600 है उसमें से माइनस किया 900 तो आ गया 2700, 2700 आया लेकिन आया माइनस का ना कि प्लस का, ठीक है तो प्लस का साइन हटा के माइनस का लगा देते, क्योंकि बड़ी जो संख्या है उसमें माइनस का साइन लगा देती है 3600 में, बराबर में जो शून्य है इसको इसी प्रकार लिखा। अब एक्स स्क्वायर का गुणांक तो दिया नहीं है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक हमने मान लिया 1, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 2700 में, 2700 ही आएगा। अब थोड़ा मैं रफ में बताता हूँ आपको, ऐसी हमें संख्या देखना है कि मल्टीप्लाई करेंगे तो 2700 आ जाना चाहिए और माइनस करेंगे तो 60 आ जाना चाहिए, तो ऐसी संख्या 90 × 30 करते हैं तो आ जाएगा 2700 और माइनस करते हैं 90 में से 30 तो आ जाएगा 60, तो एक्स स्क्वायर प्लस का इसी प्रकार 90 माइनस का कितना लिखा है 30, एक्स इसी प्रकार लिखा माइनस का 2700 बराबर में 0, एक्स स्क्वायर प्लस का तो एक्स का करते हैं इससे मल्टीप्लाई और चिन्ह का करते हैं इससे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर आ जाएगा 90 एक्स प्लस का 30 एक्स माइनस का 2700
बराबर में शून्य। दो दो के जोड़े बना लेंगे, एक दो तीन चार, चार पद हो गए हैं तो दो दो के जोड़े बना लेते हैं। तो इन दोनों में कॉमन निकल रहा है एक्स, एक्स से एक्स, एक एक्स कैंसिल बचा एक एक्स, से एक्स हो गया कैंसिल बचा नब्बे। इसमें कॉमन निकलेगा तीस, ठीक है, माइनस का साइन इसी प्रकार इसमें कॉमन निकला तीस, एक्स तीस से तीस हो गया कैंसिल बचा एक्स, तीस से 2700 को काटा तो आ जाएगा यहाँ पर 90, ब्रैकेट बंद बराबर में शून्य। तो एक ब्रैकेट में होगा एक्स, तो फर्स्ट पार्ट यहाँ लिखते हैं और सेकंड पार्ट यहाँ लिखते हैं।